बताया 1/3 एंड 2/3 है ना, जो लेंथ है वो इसके इक्वल हो जाएगी, एल बाई थ्री एंड 2/3 है, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक 3 की हो जाएगा, एक 3/2 की हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। चलो फिर क्वेश्चन जो नेक्स्ट सॉल्व करना है आपने, आप करो, ये हो गया, ये करो जरा, ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 14th करना। 14th क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आइडिया देगा जो हमने लास्ट टाइम इक्वेशंस की थी, उन इक्वेशंस का कि कैसे यूज करनी है उन इक्वेशंस को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। Equal amplitude A at a particular instant, one particle is at x is equal to minus A and other is at x is equal to 0. X, एक जो particle है वो x is equal to minus A है, means अगर suppose करो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ x is equal to 0 पे, x is equal to minus A का मतलब, x is equal to A का मतलब वो, x is equal to minus A का मतलब ये point, ठीक हो गया। जब x is equal to 0 से start करते हैं तो equation क्या होती है, x is equal to A sin omega t, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और अगर माइनस ए से स्टार्ट करते हैं तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक। और वो क्या कह रहे हैं कि बताओ कि ये दोनों मूव क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, क्रॉस तब करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या हो जाएगी, सेम, दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। ये बोला हूं ना, समझ आया कैसे इक्वेशन सबको क्लियर है ना, इक्वेशन क्या लगेंगी, एक पार्टिकल, जो एक पार्टिकल है वह x इज इक्वल टू 0 से चल रहा है, एक पार्टिकल x इज इक्वल टू माइनस ए पे है, तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और अगर हम यहां से चलते हैं तो x इज इक्वल टू कितना, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। इक्वेट करो x को x के साथ और टाइम निकालो। किया सबसे पहले एक x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू इक्वेशन इक्वेट किया, इक्वेट किया तो a से a कैंसिल, tan ओमेगा t की वैल्यू -1 आ गई, tan ओमेगा t -1 आ गया, तो ओमेगा t मैथ्स में 3π/4 होता है, और अगर 3π/4 है ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2π/T, तो यहां से स्मॉल t की वैल्यू आ गई। ये निकालना, टाइम निकालना, टाइम की वैल्यू, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है इसको करने के कई तरीके हैं, पर आप इसको एक तरीके से करके दिखाया गया है कि आप डायग्राम से मींस सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, पढ़ना जरा क्वेश्चन। Thank you.
particles are in SHM with same amplitude A and frequency omega. At time t is equal to 0, one is at A by 2 and other is at x is equal to minus A by 2. मतलब अगर मैं mathematically बात करूँ तो A by 2 minus A by 2. Okay? Both are moving in same direction. Same direction. होगा क्या? एक उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, वो घूम के वापस आ जाएगा, ये अभी भी जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो बताओ फेज डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कब वो कोलाइड करेंगे, तो कुछ ऐसा बताना है. तो मैं आपको एक मैथमेटिकल तरीका बताता हूँ, अगर आपको मैथमेटिकली करना है तो दे विल क्रॉस ईच अदर व्हेन एक्स की वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, सेम. ठीक, इट मीन्स कि अगर सपोज वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे खड़ा हुआ है एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू से इक्वेशन स्टार्ट करो, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी तब बनती है जब पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होता है. इसमें प्लस फाइव प्लस फाइव, और एक फाइव पॉजिटिव तो एक फाइव नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, या ऐसा हो सकता है एक साइन है तो दूसरा कॉस हो सकता है. मैथमेटिकली समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रॉब्लम ये है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये क्या यहीं से स्टार्ट हुए थे या ये इस इंस्टेंट पर आपको ये वैल्यूज के बने, जहां तक मैं समझता हूं ये उस इंस्टेंट पर है. एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब कि बस मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इरिस्पेक्टिव कि पहले क्या हुआ था मेरे को ना तो कुछ मालूम है और ना ही इस क्वेश्चन से मुझे मालूम पड़ रहा है. ठीक है ना, तो इससे मतलब ठीक है ए बाई टू से स्टार्ट भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि चल रहे थे एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एक ए बाई टू पे तो दूसरा माइनस ए बाई टू. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल तरीका है, मैथमेटिकल छोड़ के हम अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो जरा ध्यान से देखना ग्राफ को, इस डायग्राम को देखो. सबसे पहले सपोज एक पार्टिकल यहां पर है, यहां पर होने का मतलब मान लो एक मिनट के लिए कि आप ये मानते हो कि इसका सेंटर एक ओरिजिन है, और अगर ये ओरिजिन है तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ए बाय, एक पार्टिकल प्लस ए बाई टू पे है तो दूसरा पार्टिकल माइनस ए बाई टू पे है. तो मैंने एक पार्टिकल यहां ले लिया, मैंने एक पार्टिकल यहां ले लिया, एम्पलीट्यूड ए है, तो मुझे एक चीज पता लग गई कि इसने फेस सेंटर पे कितना कवर किया ए बाई टू पे, कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई थ्री, यानी कि ये एंगल कितना आ गया पाई बाई. उसी तरीके से ये एंगल भी कितना आ गया पाई बाई थ्री निकल गया. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री. इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो वो एंगल पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, जो कि पाई बाई कितना आ गया पाई बाई थ्री आ गया पाई बाई थ्री. मुझे मालूम है कि इन दोनों पार्टिकल की मूव करने की स्पीड सेम है, तो ये एंगल कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ज्यादा क्लियर है, ये तो छोटा बड़ा नहीं होगा, तो एक आंसर आ गया फेज डिफरेंस इनके बीच में पाई बाई थ्री. कुछ भी नहीं किया, पहले को हाथ भी नहीं लगाया और वैसे ही एक मिनट में आंसर आ गया. मतलब ये भी टेक्निक है टू सॉल्व अ क्वेश्चन. जरूरी नहीं है मैथ्स में साइन और कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस जबरदस्ती निकाल के छोड़ेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन किस जो है, कई बार दोनों चीजें आपके माइंड में रखनी है आपको, क्या पता क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए, क्या पता ज्योमेट्रिकल तरीके से हो जाए, क्या पता मैथमेटिकल तरीके से हो जाए. याद तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट, अब जब ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, कोलाइड कब करेंगे उसकी कंडीशन पढ़ते हैं. कोलाइड ये तब करेंगे जब एक्स की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी एग्जैक्टली सेम, एक्स की वैल्यू सेम होगी तो टक्कर हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू सेम करें जब ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा और ये पार्टिकल इधर चला जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये रहा, इसको नहीं देखना आपने, इसको नहीं देखना, एक ऐसा पॉइंट आएगा वन और टू एक दूसरे के एग्जैक्टली नीचे है, सच दैट दोनों की एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली चेक कर लो फिर है, इसका मतलब डायग्रामेटिकली दे विल कोलाइड. मतलब डायग्राम से आपको लग नहीं रहा, वो आप कहोगे सर एक ऊपर एक नीचे, तो कौन कह रहा है दे आर मूविंग इन अ सर्कल, मैं इसको
पेंडुलम के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि पेंडुलम ऐसे चल रहा है एंड आई एम कंपेयरिंग दिस मोशन विद अ सर्कुलर मोशन, और जैसे ही एक पेंडुलम या जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एक्स की वैल्यू अगर एक्स है तो दूसरे पार्टिकल की भी एक्स है, इसका मतलब क्या है कि एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है कुछ ऐसे, इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोनों एक इधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कभी कोई पार्टिकल हो सकता है एक साइन में तो दूसरा कॉस में, क्वाड्रेंट्स मींस क्वाड्रेंट सेम होगा, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या होगी ऑब्वियसली ऑपोजिट होगी बट दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ये चीज क्लियर है, तो इट मींस जब एक दूसरे के नीचे आएंगे दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना। आगे अब मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टू पार्टिकल ने कितना फेज कवर कर लिया, टू पार्टिकल पहले यहां पर था तो उसने कितना सेंटर में एंगल कवर कर लिया जब उसने वन को पास किया, मेरा क्वेश्चन है ये, अभी तो से पूछ रहा हूं कि टू पार्टिकल ने कितना एंगल कवर कर लिया नीचे की तरफ जब उसने वन को क्रॉस किया, तो पहले टू पार्टिकल यहां पर था, अब देखो इधर टू पार्टिकल पहले यहां पर था, मैंने ये जान के बनाया हुआ टू यहां पर ताकि कंफ्यूजन ना हो, कई लोग ये सोचते हैं अगर मैं ये ना बनाऊ ना अपने हाथ से तो कई लोग ये सोचेंगे कि शायद वन ने टू की पोजीशन ले ली, टू आगे चला गया, नहीं ऐसा नहीं है, इसने कहा पोजीशन ले ली, कोई जरूरी नहीं है पोजीशन ली की लेगी, मान लो टू पार्टिकल यहां पर था और टू पार्टिकल कहां पर आ गया नीचे आ गया और वन पार्टिकल जो पीछे था वन पार्टिकल यहां पर आ गया, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि टू पार्टिकल ने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कितना एंगल चेंज कर लिया, मेरा क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है ना यहां तक, तो कितना एंगल चेंज किया हम निकाल लें, देखो सपोज टू पार्टिकल पहले यहां पर था, जब टू पार्टिकल यहां पर था तो ये टोटल एंगल कितना था इसका पाई बाय 3, तो ये रेड कलर के साथ ये एंगल कितना है पाई बाय 3, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 और 2 यहां पर आ गए, इनके बीच में एंगल तो कांस्टेंट रहेगा ना पाई बाय 3, पाई बाय 3 का हाफ कितना हो गया पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6, तो टू पार्टिकल ने टोटल एंगल कितना कवर कर लिया यहां से यहां तक, पाई बाय 3 तो था ही था प्लस ये कितना हो गया पाई बाय 2, टोटल एंगल जो कवर कर लिया 2 ने जब 1 को उसने पास किया, ऐड कर देने आपने पाई बाय 3 में पाई बाय 6 ऐड करोगे तो कितना जाएगा पाई बाय 2। अब मैं पूछ रहा हूं यार, पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूं, हां मैं पूछ रहा हूं कि फेस हमेशा सेंटर से होती है ना, कैसे ये वाला तो आपको पहले मैंने मेंशन किया कि 2 ने 1 की पोजीशन थोड़ा ना ले ली, 1 को छोड़ दो सिर्फ 2 को देखना है, 1 को नहीं देखना, 2 पार्टिकल पहले यहां पर था इनिशियली जैसे उस डायग्राम में, वो 2 और ये 2 एक ही बात है और फिर 2 नीचे आ गया, तो पुराने डायग्राम में ये एंगल कितना दिख रहा है पाई बाय 3, तो ये पूरा एंगल कितना है पाई बाय 3, 1 को मत देखो, ये रहा पाई बाय 3, 2 पार्टिकल ऊपर था तो एंगल कितना था, 2 पार्टिकल अगर यहां पर था पहले यहां पर था तो वो देखो एंगल कितने हैं पाई बाय 3, दिख गया 2 पार्टिकल नीचे आ गया, अब इसको भूल जाओ 1 और 2 में एंगल टोटल पाई बाय 3 है तो आधा कितना है पाई बाय 6, पाई बाय 3 ना, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आया था, नहीं क्वेश्चन के बाद आए हो, कोई बात नहीं फिर एक काम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं तो मुझे 10 मिनट और बोलना पड़ेगा इसके पीछे, कोई डिफरेंस नहीं। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिकली करके दिखाया, ये क्वेश्चन डायग्राम से करके दिखाया, लास्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही था ना कि दोनों जो है एक दूसरे को पास कर रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को पास, मतलब मैं ये बताना क्वेश्चन तो मुझे मालूम नहीं कि आपसे सॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला, इतना मालूम है कि आपको टेक्निक बता रहा हूं, दो तरीके किस उसमें खो गए, मेरे से पूछो आप,
बेसिकली एक एंगल जो आएगा वो पाई बाई टू आएगा, जैसे मैंने बताया। अब देखो, जब सेकेंड पार्टिकल नीचे आ गया, एंगल कवर्ड उसने नीचे की तरफ पाई बाई टू कवर कर लिया। अब इसका मतलब कि जो फेज है, फेज जो कितना चल रहा था ओमेगा टी, वो कितना चेंज हो गया, पाई बाई टू, पाई बाई टू चेंज हो गया। देखो जो एंगल्स हैं बेसिकली, अगर टू पार्टिकल ऊपर से नीचे आ गया तो उसने टोटल एंगल कितना कवर कर लिया, वो पाई बाई टू कवर कर लिया। और पाई बाई टू का मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल है वो ओमेगा टी अगर पाई बाई टू हो जाए तो टाइम की वैल्यू आ गई, इतने टाइम पे ये वन के साथ क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। आप लगा सकते हो लेकिन आंसर डिफरेंट है, ठीक है ना। यहां तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बट अगेन बहुत थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मैथमेटिकली आसान है। बट चलो इन एनी केस,
के ऊपर जेंटली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट रखोगे तो एम वन वी वन इज एम टू वी टू। सेकेंड पॉइंट बता दो फिर क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ध्यान से समझना। इधर देखो क्वेश्चन है, एक ब्लॉक मूव कर रहा था, सपोज ये देखो एक ब्लॉक मूव कर रहा है m विद अ वेलोसिटी ऑफ v। क्या हुआ कि जब वो जा रहा था m एंड v उसके ऊपर जेंटली बिना फोर्स लगाए हमने एक ब्लॉक को रख दिया, तो नया मास कितना हो गया m प्लस m डैश, और लेट्स से दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v डैश। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, m into v is equal to m plus m dash into v dash, v dash आ गया, कोई डाउट इसमें। अब क्या करना है आपने, आपने एम्पलीट्यूड निकालना है। सोचो जब अकेला एक ब्लॉक मूव कर रहा है, एक ब्लॉक ठीक, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब SHM में पार्टिकल मूव करता है तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पर क्या होती है, मैक्सिमम, पेंडुलम है, मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर जीरो। तो वेलोसिटी मान लो वो मास यहां पर गया होगा, क्योंकि रास्ते में वेलोसिटी की वैल्यू इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कुछ ऐसे वैल्यू होती है, यहां पर उसकी वैल्यू मिनिमम हुई होगी। फिर जैसे ही वो मास वापस आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन पोजीशन पे बोलो कितनी, कितनी, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एम, छोड़ो मोमेंटम कंजर्वेशन बाद में लगाएंगे, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एम, और वो मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, वापस आते हुए भी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी कितनी है, ए ओमेगा। कितने लोग बोलते हैं ए ओमेगा इज करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक है, देखो वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है, इधर देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ऑफ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, जब कॉस की वैल्यू क्या होगी, वन, कितनी आ गई, ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा हो गई। तो जब वो पार्टिकल वापस आ रहा है तो उसकी मेन पोजीशन पर वेलोसिटी ए ओमेगा, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा फॉर उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक हो गया यहां तक। अब सपोज मैं m प्लस m डैश को मूव करवाता हूं, तो m प्लस m डैश पीछे गया, टच किया, मिनिमम वेलोसिटी हुई, इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो बोलो वेलोसिटी कितनी होगी मीन पोजीशन पर, a डैश ओमेगा डैश, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वही तो निकालना है, बात समझ में आ रही है। मैं इन दोनों का कंपैरिजन कहीं भी कर सकता हूं, पर प्रॉब्लम यह है कि कहीं भी कैसे करूं, क्योंकि मेरे को ना यहां वेलोसिटी पता है, ना यहां पता है, ना यहां पता है, और यहां पर तो वेलोसिटी एकदम ही जीरो है। सॉल्व कहां करूं, एट मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन बेस्ट पोजीशन है इनको सॉल्व करने की वेलोसिटी का क्वेश्चन, क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू ए टाइम्स ओमेगा, कहीं भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों ना मीन पोजीशन पे करें। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप इनकी इनका मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, m into v is m plus m dash into v dash, या v, v की जगह पहले मीन पोजीशन पर, मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है a ओमेगा, तो v की जगह क्या पुट करेंगे a dash ओमेगा dash। ये स्टेप समझ आया, और ये समझ आया कि हम मीन पोजीशन पे ही क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि मीन पोजीशन पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, एक a और एक ओमेगा, कॉस का कोई चक्कर ही नहीं, ओमेगा स्मॉल t का कोई चक्कर ही नहीं, तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा व्हेन इट इज सॉल्वड एट मीन। समझ आ रहे हैं यहां तक। और एक स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता है, स्प्रिंग और मास में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, या t इज बाई 2 पाई m बाई के, इसका मतलब क्या होता है 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m बाई के, क्योंकि t बाई 2 पाई 1 बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ k बाई m। दूसरे केस में अंडर रूट ऑफ k अपॉन m प्लस m डैश, निकाल लेना, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, यहां से a डैश नहीं पता, a डैश निकल जाए। पॉइंट समझ आ रहा है कि ए वन ओमेगा मीन वेलोसिटी की जगह क्यों में ओमेगा पुट कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने क्या लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन।
तो आ जाएगा जो आएगा, बट पॉइंट इज क्लियर. इसको कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन करना 30. स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग खुल गया और ब्लॉक चला गया. तो सर टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, जाने और आने का टाइम पीरियड क्या होगा. देखो कैसे, ध्यान से देखना. सपोज ध्यान से देखना, सपोज यहां से लेके यहां तक एक स्प्रिंग पड़ा हुआ था अनस्ट्रेच्ड, इसके बाद स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है. सपोज एक ब्लॉक है, मैं ब्लॉक हूं, और इस दीवार से प्लास्टिक कोलिजन है, इस दीवार से यहां तक अगर मैं आता हूं तो टोटल डिस्टेंस एल है और मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हूं. तो मैं यहां से चला, यहां से यहां तक वी वेलोसिटी के साथ आया, डिस्टेंस मैंने एल कवर किया, तो मैंने कितना टाइम लगाया, एल अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन वी. फिर उसके बाद मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया,
स्प्रिंग कंप्रेस हुआ एक क्वाड्रेंट, बाहर आया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट तब होते जब मैं स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होता, स्प्रिंग मेरे को बाहर तक छोड़ के आता और फिर मेरे को अंदर ले जाता, एक दो तीन और चार। पर क्योंकि मैं स्प्रिंग के साथ चिपका नहीं हुआ, मेरी जर्नी खत्म हो गई क्योंकि स्प्रिंग गया और यहां तक आया, तो मैं फिर से भी वेलोसिटी के साथ चलना शुरू हो गया बिकॉज एनर्जी लॉस तो है नहीं। जितनी एनर्जी मैंने स्प्रिंग को दी थी उतनी ही एनर्जी स्प्रिंग ने मेरे को वापस कर दी। एनर्जी कंजर्वेशन यही है ना कि मैंने इसको कंप्रेस किया, स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, नॉर्मल हो गया और मेरी वेलोसिटी फिर से कितनी हो गई, वी हो गई। ठीक है यहां तक? इसका मतलब स्प्रिंग का चार क्वाड्रेंट्स का टाइम पीरियड कितना होता है, एक दो तीन और चार का 2π√m/k, पर यहां पर स्प्रिंग सिर्फ एक और दो, उसके बाद तो मेरी वेलोसिटी फिर से कितनी एक्वायर हो गई, वी एक्वायर हो गई। और मैंने वहां जाने का फिर से कितना टाइम लिया, एल अपॉन वी। तो मेरा एक राउंड कब कंप्लीट होगा, जब मैं वहां से चला था, मैं यहां तक आया था, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, स्प्रिंग ने मेरे को यहां तक छोड़ दिया, फिर मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। ठीक है यहां तक? तो इसमें टोटल यहां से यहां और यहां का टाइम पीरियड 12π v, और स्प्रिंग को कंप्रेस और एक्सपैंड करने का आधा टाइम पीरियड 2π√m/k डिवाइडेड बाय 2। डी ऑप्शन। ओके, वैसे चंद पार्टिकल है ना, कंप्रेस एक्सपैंड, तभी तो फॉर्मूला लगा रहा हूं 2π√m/k, क्योंकि मैं एज अ मास उसके साथ अटैच नहीं हूं, क्योंकि उसके बाद स्प्रिंग मेरे को तब बाहर में लेके आता अगर मास के साथ स्प्रिंग चिपका होता, अटैच्ड होता। तो मास इधर चल रहा है तो स्प्रिंग भी इधर चल रहा है, अब मास तो भागने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग उसको खींचेगा, तो फिर स्प्रिंग पीछे आएगा, तो अटैचमेंट ही नहीं है। तो ठीक है, एक बार कंप्रेस किया, एक बार एक्सपेंड किया, फिर आधा टाइम पीरियड होता है। पूरा टाइम पीरियड तब होता है जब मास अटैच्ड है, मास ने कंप्रेस किया, एक्सपेंड हुआ। कायदे से तो जर्नी आता कंप्लीट हो जानी चाहिए मास की, लेकिन 99% क्वेश्चन में चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि मास अटैच्ड है। मास जो है वो स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच्ड हुआ, तो स्प्रिंग के अंदर तो कोई एनर्जी नहीं ना, स्प्रिंग अपने आप थोड़ा खुल जाएगा, कुछ तो होना चाहिए स्प्रिंग के अंदर फोर्स, कोई एनर्जी। जब एक्सपेंशन ही नहीं है तो स्प्रिंग क्यों खुलेगा, वो तो मास भाग रहा है विद सम वेलोसिटी, वो खोल देता है स्प्रिंग को, और जब स्प्रिंग खुलता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींचती है, मास अटैच ही नहीं है, वो भाग गया उसको छोड़ के। तो स्प्रिंग तो ठीक है, स्प्रिंग अगर अनस्ट्रेच्ड हो गया अपने आप थोड़ा खुल जाएगा फिर वो। इसके पास आपको ये फिर गलत फहमी है, तो मास अटैच रहा है, सुनो सुनो, तो मैं उसको खींचता हूं। सोचो, एक्सपेरिमेंट देखो, स्प्रिंग आराम से बैठा हुआ, देखो स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग से पूछो ना, वो खुद मूव करेगा। स्प्रिंग तब मूव करेगा जब उसमें आप या तो कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, अगर आपने स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया, जैसे ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, मास तो स्प्रिंग का कुछ नहीं ना, स्प्रिंग एक्सपेंड क्यों होगा जब तक कोई उसको खींचेगा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? अटैच नहीं है ना, वही तो कह रहा हूं, ये एक ही ब्लॉक है स्लो मोशन में, पहले वो यहां पर था फिर वो यहां पर है। अरे आप उसको मत देखो, मैं खुद ब्लॉक बन गया था ना अभी आपके लिए, अभी बता तो रहा हूं मैं, मेरे को देखो, एक ब्लॉक एल डिस्टेंस तक चला, मैं ब्लॉक हूं, फिर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर मैं एक्सपेंड, स्प्रिंग वापस आया, स्प्रिंग ने कहा ठीक है अटैच तो है नहीं, स्प्रिंग वहीं रुक गया, फिर मैं वापस दीवार तक चला गया। तो एल आने का, एल जाने का, टोटल डिस्टेंस 2l डिवाइडेड बाय v, और स्प्रिंग का जाने और आने का ये टाइम पीरियड। ये डायग्राम तो दिखा रहा है कि यहां से चला, यहां कंप्रेस किया, फिर वापस आया। ना ना, ऐसा नहीं, डायग्राम नहीं है, नहीं, अगर ब्लॉक का टाइम पीरियड, स्प्रिंग का टाइम पीरियड नहीं चाहिए, स्प्रिंग का टाइम पीरियड तो ये रहा ब्लॉक का, कि ब्लॉक अपना एक चक्कर पूरा कितनी देर में करेगा। नहीं, टोटल टाइम पीरियड मीन सिस्टम का टाइम पीरियड, मतलब जो चल रही है बॉडी उसी का टाइम पीरियड, जो खड़ी हुई है उसका क्या टाइम पीरियड। ठीक है ना, यहां तक समझ आ रहा है लविश?
ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू डिस्क्राइब एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी न्यू अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज गिवन, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल इज व्हाट। देखो कल एक स्टूडेंट बोलता कि सर इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं बना, इसलिए नहीं बना अगर मान लो दो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, मान लो एक पेंडुलम है, मान लो एक पेंडुलम वहां पर है एक पेंडुलम वहां पर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी दोनों के बीच में, टोटल डिस्टेंस 2a, 2a हुआ ना मैक्सिमम, तो फिर ये रूट टू ए क्यों दे रहे हैं, ये तो कोई जरूरी नहीं कि 2a ही हो, देखो ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आई कि जब एक पार्टिकल वहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर, ये तो कोई जरूरी नहीं, ये कंडीशन आएगी आएगी कि जब दोनों के दोनों यहां पर है, मान लो इनमें बहुत कम डिस्टेंस था जब ये मूव करते थे, तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो जब एक पार्टिकल कोने में आया उसने उल्टा मूव किया, दूसरे ने राउंड कंप्लीट करना है, दूसरा पहले के पीछे पीछे घूम रहा है, तो ऐसा कोई डिस्टेंस ही नहीं आया जब एक पार्टिकल वहां पर है एक पार्टिकल वहां पर है, और वैसे भी जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है, तो हमें गिवन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रूट टू है, तो समझो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारी रूट टू ए ही है। आपको इसमें क्या निकालना है, इनिशियल फेज डिफरेंस, यानी कि जब वो चले थे उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था, फाई क्या था, इनिशियल फेज डिफरेंस। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, यानी कि वो इकट्ठे मेन पोजीशन से नहीं चले, अगर एक मेन पोजीशन से चला तो दूसरा थोड़े से आगे से चला, सच दैट दूसरी इक्वेशन में फाई को एड करना पड़ेगा, ठीक। अगर वो दोनों इकट्ठे चलते मेन पोजीशन से, पेंडुलम चल रहे हैं और सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं, तो फिर उनमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, तो इकट्ठे ही मूव करते रहेंगे दो के दो हमेशा, इसका मतलब एक आगे है, एक आगे से चले और दूसरा पीछे से चले, ये पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें इक्वेशन बनाओ, एक की इक्वेशन ले लो y इज a साइन ओमेगा t जैसे कि ली हुई है यहाँ पे, और दूसरी की इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस y, एज्यूमिंग कि phi जो सेकेंड पार्टिकल है उसका फेज डिफरेंस फर्स्ट पार्टिकल से, इनिशियल फेज फर्स्ट पार्टिकल से phi ज्यादा है, और फाई मुझे निकाल है, ज्यादा क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है, आप इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो, माइनस कर दिया, अब ये डिफरेंस कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, पर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं और सी एंड डी फॉर्मूला लगाऊं, ये मैथ का थोड़ा मेडिकल में इतना नहीं आएगा पर आप समझो, तो अगर मैं सी एंड डी फॉर्मूला लगाऊं कि साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ या साइन सी माइनस साइन डी, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। एक चीज देखो, अगर मैं इसका डिफरेंस ए रूट टू पुट कर रहा हूं, इसका मतलब कि मैं ये मान रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस क्या है मैक्सिमम, तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम। राइट हैंड साइड पे ये टर्म आ गई मान लो सॉल्व करने के बाद, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता बिकॉज फाई इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट। क्या चीज चेंज हो रही है, वो चीज चेंज हो रही है जिसमें स्मॉल टी टाइम आ रहा है, वो चीज चेंज हो रही है जिसमें टाइम स्मॉल टी आ रहा है, तो अगर ये जो टर्म है कौन सी टर्म, अगर मैं इसको इस टर्म को वन पुट कर दूं, वन का मतलब मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूं मैक्सिमम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या जाएगा मैक्सिमम, या उल्टा बोल लो कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को मैक्सिमम पुट किया है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम, एंड राइट हैंड साइड तब मैक्सिमम होगा जब जिसमें जो चीज चेंज हो रही है वो चीज क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और क्या चीज चेंज हो रही है जिसमें स्मॉल
tr. तो अगर मैं इसमें इसको ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में मैक्स पुट कर रहा हूं, तो इसको भी मुझे 1 पुट करना पड़ेगा ताकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड मैक्सिमम हो जाए. तो मेरे पास क्या बचा, रूट टू ए इज ए टू ए इंटू 1, इसकी जगह 1 पुट करूंगा, इंटू साइन ऑफ फाई निकाल लेना. फाई चाहिए था ना भैया, मैक्सिमम है नहीं जरूरी नहीं, इसलिए आपको वो टाइम खुद अज्यूम करने की होता होगा कोई टाइम जब इस पूरे एंगल की वैल्यू जीरो आ गई और ये कॉस ऑफ एंगल क्या आ गया वन. ठीक है, यहां तक मेडिकल में नहीं आएगा, डोंट वरी. तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो इसमें मेडिकल के उसमें कितने स्टूडेंट है वैसे मेडिकल के, कोई बात नहीं, आप आराम से आज इंजॉय करो एसएचएम को दूर से. और इसने मेरे को टक्कर मारी, सारी एनर्जी इसने मेरे को दे दी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है. तो जब सारी एनर्जी मेरे को दे दी तो मैं वी के साथ चल पड़ा और पहला ब्लॉक रुक गया, टाइम पीरियड आधा ही रहेगा फिर से. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो, अ बॉडी इज इन एसएचएम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स एंड हैज अ टाइम पीरियड ऑफ टी 1 सेकंड. सेम बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ टी 2 सेकंड व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फोर्स. सपोज एक बॉडी है और जिसके अंदर मैंने F1 फोर्स लगाई, उसको y डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया SHM में टाइम पीरियड T1 है. फिर कहता है F1 को हटाओ, F2 फोर्स लगाओ, टाइम पीरियड कितना आ गया T2 आ गया. अब कहता है कि F2 को भी छोड़ो, F1 प्लस F2 फोर्स दो, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा. याद रहे इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप मान लो कोई भी एज्यूम कर रहे हो कि मैं एक बॉडी को SHM में लेके जा रहा हूं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों केसेस में सेम रहेगी, चाहे आप फोर्स F1 लगा लो, चाहे आप F2 लगा लो, चाहे आप F1 प्लस F2 लगा लो, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. देखो कैसे, पहले क्वेश्चन समझ आया, F1 फोर्स के साथ टाइम पीरियड T1, F2 के साथ T2, F1 प्लस F2 के साथ T3, ये चीज क्लियर है.
तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसमें जैसे किया हुआ है, F is F1 plus F2, तो पहले जब F1 फोर्स थी तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन SHM में क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन SHM में क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई, और मैंने क्या बताया, ओमेगा वन स्क्वायर वाई, क्योंकि टाइम पीरियड टी वन है तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा वन है। ऐसी सेकेंड केस में मास इनटू एक्सेलरेशन ओमेगा टू स्क्वायर वाई, और थर्ड केस में लेट से ओमेगा टाइम पीरियड है एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, अगर मैं वाई भी डिफरेंट लूंगा फिर आंसर नहीं आएगा, फिर ऑप्शन में वाई एलिमिनेट करना है, तो वाई एक ही केस में एलिमिनेट किया जा सकता है जब वाई की वैल्यू टेकिंग वाई की वैल्यू सेम इन ऑल दी थ्री केसेस। तो ठीक है, ये वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड के की वैल्यूज पुट कर ली, टाइम पीरियड निकाल लेना, टी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी वन एंड टी टू, कुछ भी नहीं किया, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन SHM की पुट करनी है ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है ना यहां तक, तो SHM में एक्सेलरेशन चेंज होती है ना ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट है, अगर कुछ लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो आजकल ये सबसे लेटेस्ट है, आपकी बुक्स में भी नहीं है, अरिहंत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, दो SHMs हैं, एक की इक्वेशन y1 इज 0.1 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एंड y2 की वैल्यू 0.1 cos 100 पाई टी। कोई क्वेश्चन दे दी, आपको निकालना है फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू विद रिस्पेक्ट टू
सबसे पहली चीज आप क्या करोगे इसमें, आप इसको डिफरेंशिएट करो, पहले y1 को डिफरेंशिएट करो v1, y2 को डिफरेंशिएट करो v2, करना नहीं है बट ये समझ आना चाहिए। वैल्यूज को छोड़ो, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, एंगल तो वही रहेगा अंदर का एंगल थोड़ा चेंज होगा, ये लो। और नेक्स्ट कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन, डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन ऑफ एंगल सेम रहेगा 100 पाई इनटू टी, ठीक है तक, इज इक्वल टू, एक काम करो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन को इस जो साइन है माइनस को अंदर ले जाओ, मीन साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, तो क्या बनेगा कॉस ऑफ कितना 100 पाई टी प्लस पाई बाय टू कर दो, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। यहां तक मैंने इसलिए इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर फेज डिफरेंस निकालना चाहते हो, एंगल डिफरेंस, तो कॉस का एंगल कॉस में से माइनस होगा, साइन का एंगल साइन में से माइनस, अब माइनस कर ले, माइनस करोगे आंसर पाई बाय सिक्स आ जाएगा, तो एबीसीडी में से पाई बाय सिक्स एक ही ऑप्शन है आंसर, पॉइंट क्लियर है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब टिपिकल जो क्वेश्चन है, कोई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछते आपसे, और अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ भी जाएगा सबसे पहले आप ही होगे उसको छोड़ के भागने वालों में से, पेपर छूट जाएगा आपका, नहीं तो टाइम कट हो जाएगा ना ऑनलाइन में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ। एक और क्वेश्चन नोट करो देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में, एक्सेलरेशन है मीटर, ये एक ग्राफ है, ये ठीक एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एसएचएम में ग्राफ है, आपको निकालना है टाइम पीरियड क्या हो, तो ठीक ठीक आ रही है मेरे को, कोई बोल रहा है कि ए और ओमेगा स्क्वायर में कुछ रिलेशन है, देखो जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या एक्स, एक ही बात है डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम की यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन अपॉन एक्स माइनस साइन विल गिव ओमेगा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्लियर है यहां तक, जो मैथ्स वाले हैं वो थोड़ा सा ज्यादा समझते हैं, पहले नॉन मेडिकल वाले समझ लें, ये एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, इसकी जो स्लोप होगी दैट इज एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट माइनस वन होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन रिवर्स है तो माइनस वन होगी, माइनस वन का मतलब है कि जब मैं यहां पर माइनस वन पुट करूंगा तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया, जो मेडिकल वाले हैं वो समझ लें, आपको स्लोप माइनस प्लस कुछ नहीं पता, इतना तो समझती हो, अगर मैं एक लाइन खींच लूं यहां पर तो ये जो एंगल है इसकी स्लोप क्या होगी टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा होती है ना, टेन थीटा का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो एक्स है, सॉरी ये वैल्यू एक्स है और ये कितनी है ए है, ठीक है ना, यहां तक ए लेना है, ए ले लो, माइनस ए लेना, माइनस क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट है, स्लोप क्या होगी माइनस ए अपॉन इज इक्वल टू टेन ऑफ 45, टेन 45 क्या होता है, तो यहां पुट कर लोगे टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, समझ आ रहा है जिनके पास मेडिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं सबको, ठीक यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, टू एसएचएम ने एम्पलीट्यूड ए ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा टू ओमेगा, एक का ओमेगा ओमेगा दूसरे का ओमेगा टू ओमेगा एंड मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक की क्वेश्चन एक्स में बनेगी, एक की क्वेश्चन में बने, क्वेश्चन में गिवन है जो एक्स है, जो एक्स है वो पाई बाय टू लीड कर रहे इसे वाई, तो एक्स इज लीडिंग वाई, मतलब आगे है, फेज आगे है, जैसे करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो आपको इसका लोकस बनाना है, इक्वेशन लोकस
मेडिकल वाले स्कूल ने एक इक्वेशन बनानी है कि ये एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन है, छोड़ो किसकी इक्वेशन है, आप बस ये प्रूव करो, प्रूव करो, ऑप्शन ही मैं मार्क करवा के दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आएगा कोई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा, प्रूव करो कि वाई और एक्स में रिलेशन। सबसे पहले x की इक्वेशन अगर बनाएं तो a साइन ऑफ कितना ओमेगा t प्लस पाई बाई टू, और y की इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू कितना a साइन ओमेगा t टू ओमेगा t टू ओमेगा है। सो x को हम ठीक तरह करके कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा t क्या बनेगा a कॉस ओमेगा t, इसको y इज इक्वल टू ए इंटू साइन टू ओमेगा टी, मैथ्स में होता है टू साइन इंटू ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू ए इंटू टू इंटू साइन ओमेगा टी, लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। और फाइनली कॉस ओमेगा टी का मतलब x अपॉन a, तो y इज इक्वल टू ए इंटू टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी की जगह x बाय ए स्क्वायरिंग कर लेना आंसर आ जाए, ठीक है। तक तो इसलिए के क्वेश्चन भी आते हैं, आते क्या है तो मैं डाउनलोड किए हुए हैं, पक्का आए हुए हैं किसी कॉम्पिटिशन में, जिसमें भी आए हुए मुझे पता नहीं किस साल के पेपर है, यहाँ तक क्लियर है। फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन लिखो जो आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से एक बार इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है पार्टिकल एस एच एम में टाइम पीरियड टी है, बताओ टाइम टेकन टू कंप्लीट थ्री एट्थ ऑफ ऑसिलेशन, थ्री एट्थ ऑसिलेशन कितने में करेगा,
सबसे पहली चीज कितनी हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, 3/8। 3/8 का मतलब क्या है, 1/4 प्लस कितनी, सेम आ रहा है ये 1/4 के चक्कर में क्यों पड़ गया मैं, क्योंकि 1/4 का टाइम पीरियड तो ओरली आप बता दोगे T/4। 1/4 जर्नी का मतलब 1 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट का मतलब T/4। मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम यहां से यहां जाता है तो कितनी जर्नी कंप्लीट करता है, 1/4 ऑफ ऑसिलेशन, और यहां से यहां तो आप सीधे लिख दोगे आंसर इज T/4। तो लो ये T/4, अब बताओ 1/8 ऑफ जर्नी का क्या करोगे, T/4 कैसे जो लास्ट निकाला था, आंसर नहीं आ रहा ना, फिर भी नहीं आएगा, ये कह रही है कि 1/8 ऑसिलेशन लास्ट लेक्चर में निकाला था हमने, यही कॉन्सेप्ट है। देखो एक पेंडुलम मीन पोजीशन से चल पड़ा, आप अपनी घड़ी स्टार्ट कर लेना, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम निकालना है, यहां से यहां आ चुका है जिसका टाइम पीरियड आपने ऐसे निकाल दिया कितना T/4। अब वो यहां से यहां जाएगा तो आपको 1/8 जर्नी का टाइम पीरियड ये नहीं निकालना, आपको ये निकालना है, फर्क है दोनों में, कहां ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी और कहां नीचे आते हुए वेलोसिटी ज्यादा होगी, फर्क नहीं है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसमें अगर मैं यहां से लेके यहां तक 1/8 ऑफ जर्नी निकालूं, जब पेंडुलम यहां से स्टार्ट होगा तो इक्वेशन बताओ क्या लोगे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा, ठीक है तक। 1/8 ऑफ जर्नी का मतलब क्या होता है, हाफ, इसका हाफ, 1/4 का हाफ, हाफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है T/2 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो x की जगह इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये कैंसल हो गया, कॉस ओमेगा टी हाफ, तो ओमेगा टी की वैल्यू हाफ कब होती है, व्हेन पाई बाय 3, तो यहां से ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो कैपिटल टी निकालो, कैपिटल टी सॉल्व करने पे आ रहा है कोई T/6, तो यानी कि 1/8 जर्नी का टाइम पीरियड कितना आ गया T/6, ठीक है ना, यहां तक टोटल टाइम पीरियड आ गया 5T/12, ठीक समझ आ रहा है ना, यहां तो जाने का टाइम पीरियड सीधा, लेकिन वापस आने का टाइम पीरियड के लिए आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर टोटल जर्नी देगा ना, नॉर्मली कॉमन मिस्टेक है, हम यहां का टाइम पीरियड T/4 और यहां का यहां से निकाल लेते हैं 1/8, वो गलत है, T/12 लास्ट टाइम निकाला था तो हमने ये जर्नी और ये जर्नी का टाइम थोड़ा निकालना है, हमने ये जर्नी और ये जर्नी का टाइम निकालना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है जब मैंने पूरे इस मास को नीचे कुछ डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा,
सबसे पहली चीज फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है नहीं, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स से फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखो सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। देखो जब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है, मान लो मैं एक्स नीचे ले आया तो रिस्टोरिंग फोर्स की है इन वाई एक्सिस, डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है। अब इसमें कितनी फोर्स डेवलप हो जाएगी, के एक्स, क्यों, एज्यूमिंग कि तीनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है। देखो इसमें जरूरी नहीं है वैसे, क्योंकि इनके एक्सिस डिफर कर रहे हैं। सो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है अलोंग वाई एक्सिस वो वेरी करेगी, यहां पर और यहां पर, ठीक। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली यू हैव टू एज्यूम कि डिस्प्लेसमेंट इन तीनों की एग्जैक्टली सेम है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब सपोज करो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। अब इसमें जब मैं नीचे खींचता हूं रिस्टोरिंग फोर्स कहां है, ऊपर। जब मैं इसको नीचे खींच रहा हूं तो ये दो स्प्रिंग्स ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड। जब ये एक्सपैंड हो रहे हैं तो एक्सपैंडेड स्प्रिंग्स क्या करेंगे, ब्लॉक को कहां खींचने की कोशिश करेंगे, ऊपर। तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में भी कहां डेवलप हो जाएगी, ऊपर, इसकी भी ऊपर, इन दोनों की भी ऊपर। ऊपर मींस आई विल टेक कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि वैसे तो रिस्टोरिंग फोर्स की एक्स यहां पर है, बट मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं इसमें के इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 60 एंड अगेन के इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 60। तो इस ब्लॉक पे टोटल रिस्टोरिंग फोर्सेस के एक्स प्लस के एक्स कॉस 60 प्लस के एक्स कॉस 60। पॉइंट इज क्लियर। मैं इसमें फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं, क्योंकि एक्स एक्सिस की जो फोर्स है वो आपस में क्या कर जाएगी, कैंसल, kx sin 60 एंड kx sin 60। तो नेट जो फोर्स बची वो इसके इक्वल है। पॉइंट क्लियर है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 kx। फोर्स क्या होती है, मास इनटू 2 kx, और रिस्टोरिंग फोर्स है तो ऐसा कर सकते हो, यू कैन प्लेस नेगेटिव साइन हियर बिकॉज इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस साइन, एक्सेलरेशन इज -2kmx एंड इक्वेशन ऑफ SHM इज a is minus omega square x. So you can compare omega square with 2k by m. So you get omega is equal to under root of 2k by m or time period is 2 by under root of m divided by 2k. ठीक है आदर। So कोई भी question अगर standard SHM में नहीं है तो उसमें you have to calculate restoring और कोई तरीका नहीं, ठीक है यहां तक। एंड एक क्वेश्चन जो और आया हुआ है इसे सॉल्व करना। सपोज अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू अ लॉ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस पाई बाय 2 इंटू टी। So distance covered by it in time interval from t is equal to 0 to t is equal to 3 second is what? A option is ka r, 2r, 3r, 4r.
is pi by 2, then omega is 2 pi by capital T is equal to pi by 2. Pi by cancel. Time period is 4 seconds. 4 second means, suppose 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. 4 second. In 1 second, mera distance kitne hai? R. Second second mein 2R. 3R, 4R. Theek hai? Ek kaam karo. Time t is equal to 0 yahan put karo, x mein. तो जब आप टाइम t is equal to 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है r और टाइम 3 पुट करोगे जब यहां पर 3 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 क्योंकि 3 pi by 2 cos of 3 pi by 2 is 0 इसका मतलब 3 सेकंड पे 3 सेकंड में मैं 0 से r तक क्या आया हूं सिर्फ एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि 4 सेकंड में r r r एंड r और 3 सेकंड में r वो r पता है कैसे क्योंकि मैं 1 2 3 और 4 एक उसमें मींस मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया अब सोचो मैं 3 सेकंड में अगर मेरा सिर्फ r डिस्टेंस है इट मींस व्हाट इट मींस कि मैं 3r डिस्टेंस कवर कर चुका हूं और बचा कितना अभी r ठीक तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा 3 पॉइंट सबको समझ आ रहा है 3r क्यों क्योंकि देखो r से तो obviously greater होगा आप सारी बात छोड़ो आप इसको कुट्टी मत करो 3 सेकंड है ना 4 सेकंड में 4r है तो 3 सेकंड में 3r है कुछ भी मत करो आंसर आ गया ठीक है यहां तक एनी डाउट